the chair. Very nice. Very nice. Thank you so much. Coming back to your singing, apne अच्छे एल्बम्स निकाले हैं एच एम वी सरेगमा और कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द एल्बम्स व्हिच यू हैव गजल एल्बम्स व्हिच यू हैव डन. मेरी जो पहली एल्बम थी उसका नाम था योर्स ट्रूली जसविंदर सिंह. तो उसमें आठ गज़लें थी और उस्तादों का कलाम था, उस्ताद शायरों का कलाम था, जिसमें अमजद हैदराबादी, जिगर मुरादाबादी, ऐसे उस्ताद शायरों का कलाम था. म्यूज़िक कॉम्पोजिशंस मेरे वालिद साहब की थी और बहुत अच्छी सिंपल एल्बम थी वो. वी आर ऑल ईगरली वेटिंग टू लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ योर फादर एंड योर गज़ल एल्बम, योर फर्स्ट एल्बम, राइट? जी. सो प्लीज़ सिंग दैट गज़ल फॉर अस नाउ. डेफिनेटली. दिस ये जो गज़ल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उस्ताद शायर हैं जनाब अमजद हैदराबादी, और उनकी ये जो गज़ल है ये तसव्वुफ़ की गज़ल है, यानी जिसमें सूफियाना एलिमेंट होता है. तो इसमें रोमांस है, लेकिन वो जो रोमांस है वो उसकी नज़र है, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं. बहुत ही अच्छी गज़ल है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. या कोई तुम
खूबसूरत शेर अर्ज है। शायर कहते हैं, जो नजर आती है नहीं अपने, जो नजर आते हैं नहीं अपने, जो नजर जो नजर आते नहीं अपने, जो है अपना नजर नहीं आता, जो है अपना नजर नहीं आता, यूं तो क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, यूं तो क्या। तसव्वुफ का शेर, झोलियां सब की भरती जाती हैं, झोलियां सनी दमरे मनी नी दमरे पम गर गम मगरे
देख लेता हूँ सूरत आईने में, देख लेता हूँ सूरत आईने में, दाग दिल का, दाग दिल का नजर नहीं आता, दाग दिल का।